दोस्तों ये है Redmi Buds 4 Active और इस वाले Buds को मैं 7 से 8 दिन से यूज कर रहा हूँ और सारा एक्सपीरियंस मैंने अपने आईफोन पे लिया है। मेरे आईफोन में आप देख सकते हो Redmi Buds 4 Active अभी कनेक्ट नहीं है। जैसे इसका डिब्बा खोलता हूँ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग एक एंड्रॉइड फोन यूज करेंगे इसके सारे प्रोसेस को दिखाने के लिए, क्योंकि ये वाला एयरबड्स गूगल का फास्ट पेयर के साथ आ रहा है और एप्लीकेशन का भी सपोर्ट है इसके अंदर। तो सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे इस वाले वीडियो में Redmi Buds 4 Active। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्स देख लो, बहुत सिंपल सा है। अंदर आपको ये ब्लैक कलर के एयरबड्स मिल जाएगा। दूसरा ये एयर व्हाइट कलर भी है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मुझे लगता है व्हाइट थोड़ा प्रीमियम लगता है, ब्लैक थोड़ा कम प्रीमियम लगता है। वैसे बॉक्स में एक्स्ट्रा एयर टिप्स मिल जाएगा, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी सी है। बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जिंग केबल नहीं है, कोई बात नहीं। इसकी जो एक्चुअल प्राइस आने वाली है लॉन्च ऑफर में 1200 रुपए मिल जाएगा, बाद में इसकी प्राइसिंग 1400 रुपए हो जाएगी। मतलब कि बहुत ज्यादा बजट एयरफोन है। सबसे पहले इसकी बिल्ड की बात करेंगे। जो एयरबड्स है इस प्राइस पे आप जब यूज करते हो आपको हल्का सा सस्ता लगता है, लेकिन भाई रेडमी का बड्स है और एक्चुअल में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपके कान के अंदर कुछ भी ऐसा सस्ता वाला फील नहीं आएगा। कंप्लीट बिल्ड प्लास्टिक के, बट ये मैट फिनिशिंग के साथ आता है और साइड में थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश भी दिया हुआ है, अच्छा लगता है देखने में। और अगर फिटिंग के बारे में बात करें तो इसके अंदर ये सिलिकॉन टिप्स मिला है, जिसकी वजह से फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो इसका साइज भी काफी परफेक्ट सा लगा है मुझे, और फिटिंग भी काफी प्रॉपर है। इतनी प्रॉपर है कि मैं इसको पहन के आराम से जिम में वर्कआउट किया और डेफिनेटली कोई इशू नहीं हुआ उसमें। तो ऐसा करते हैं इसको एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट करते हैं। अभी मैं रियलमी का 11 प्रो यूज कर रहा हूँ और इसका वीडियो चेकआउट कर लेना, काफी तगड़ा फोन बनाया है इस बार रियलमी ने। अभी बैक टू रिव्यू। सबसे पहले Xiaomi Earbuds एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना। इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, ऐड करो भाई एयरफोन को, और बहुत ही इजीली एप्लीकेशन कनेक्ट हो चुका है और गूगल फास्ट पेयर भी इसके अंदर है, तो यहाँ से आप गूगल अकाउंट में सेव कर सकते हो इसको। लो लेटेंसी मोड भी इसके अंदर है, जिससे आप गेमिंग कर सकते हो 60 मिलीसेकंड पे। बड्स के अंदर आप टच कस्टमाइज नहीं कर सकते, और इसका जो टच भी है ना बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा मुझे, वहां पे और काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो बड्स का टच एरिया है वहां पे कुछ ना कुछ इंडिकेशन होना चाहिए, जैसे कोई पैटर्न होना चाहिए, आपको कोई स्पेस होता है, मतलब कि जो टच पॉइंट तो हल्का सा दबा हुआ रहता है, तो आपको समझ में आता है कि कहां पे टच एग्जैक्टली करना है। वो चीज की एक प्रॉब्लम लगी मुझे यहाँ पे। वैसे एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी ऑप्शन है नहीं वैसा, तो आप कनेक्ट करो या ना करो सब बात बराबर ही रहेगी। मतलब कि इक्वलाइजर होना चाहिए था, लोकेट बर्ड्स का वाला फीचर होना चाहिए था, और सबसे इंपॉर्टेंट टच कंट्रोल कस्टमाइजेशन होना चाहिए था, जो कि नहीं है यहाँ पे। और टच कंट्रोल डबल टैप करोगे आप तो रुक जाएगा, डबल टैप तो प्ले हो जाएगा, और ट्रिपल टैप तो नेक्स्ट हो जाएगा। काम तो सही कर लेता है, बट फंक्शन इतना ही है इसके अंदर। पॉज प्ले एंड नेक्स्ट का फीचर है। वैसे आप कॉल उठाए और काट भी सकते हो वही सेम चीज से। वैसे जब गाना प्ले नहीं कर रहे हो फिर भी आप इसको लगाते हो तो काफी ज्यादा एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिल कर देता है ये। इसकी फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी है मुझे। वैसे अगर बात करते हैं इसके सॉन्ग की क्वालिटी के बारे में, बहुत ही ज्यादा बैलेंस साउंड आउटपुट इसका रखा गया है। वोकल्स भी एकदम प्रॉपर और डिफाइंड आ रहे हैं, 100% वॉल्यूम पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। अगर एक बार बात करते हैं साउंड लीकेज के बारे में, फुल वॉल्यूम पे चलाया मैंने अभी, इवन की माइक एकदम क्लोज है, इसको निकाल के यहाँ रख दिया मैंने। क्या आपको साउंड लीकेज आया दोस्तों? मेरे हिसाब से इसके अंदर साउंड लीकेज वाला भी इशू नहीं है। इसके अंदर 12mm का बेस प्रो ड्राइवर है, बेस अच्छा है इसका, काफी ज्यादा क्लासिफाइड है, मतलब कि आपको फील हो रहा है, बट डीप बेस में नहीं कहूंगा। वॉल्यूम अच्छा है, बैलेंस है, डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा, और बेस है इसके अंदर, और मुझे भाई मजा आ रहा है गाना सुन के। तो डेफिनेटली इंप्रेसिव साउंड क्वालिटी है इसकी। और इसके ऊपर एक बार BGMI भी खेल लेते हैं दोस्तों। और गेमिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक साथ प्रेस करना है 1.5 सेकंड के लिए। शायद से गेमिंग मोड पे आ चुका है, कुछ बोल नहीं रहा, कुड़क कुड़क कर रहा है। एक्चुअली मैं गेम तो खेल पा रहा हूँ, मैं हल्का सा लेटेंसी, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि है यहाँ पे। बट्स का सराउंड साउंड काफी अच्छा, मतलब जो फुट स्टेप है ना वो काफी डिफाइंड है कि राइट से आ रहा है कि लेफ्ट से आ रहा है, तो मैं गेम खेलने में थोड़ा सा उससे आसानी तो हो रहा है। बट्स का गेमिंग एक्सपीरियंस तो एवरेज कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ब्लूटूथ 5.3 इसके अंदर ओपन किया मैंने, ऑलमोस्ट 5 सेकंड के अंदर इसने कनेक्ट कर लिया, काफी क्विक है। और यहाँ पे बैटरी बता देता है, और इसकी बैटरी बड्स को यूज करके 30 घंटे चल जाएगी। अगर आप फुल चार्ज करते हो तो एक बड्स सिंगल चार्ज पे 4 से 5 घंटे आराम चल जाएगा। एक कंप्लीट मूवी तो आप आराम से देख सकते हो। ओवरऑल बैटरी का इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ मुझे जितना मैंने यूज किया, और इसमें फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी आपको। 10 मिनट चार्ज करके 90 मिनट का प्ले टाइम निकाल सकते हो आप। डेफिनेटली बैटरी में भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा, और इसकी बिल्ड भी अच्छी है, 1 साल की वारंटी है ब्रांड वाली, तो आपको वहां पर भी एक सिक्योरिटी मिल रही है। 1400 रुपए के हिसाब से एक अच्छा बड्स रहेगा, 1200 रुपए में तो डेफिनेटली आप खरीद लो। इसका जो बेस्ट बाइंग लिंक होगा डिस्क्रिप्शन डाल देंगे हम लोग, अमेजोन पर 20 जून को मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लेना। और रेडमी ने अच्छा बजट बड्स बनाया इस बार, और भाई ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं थी, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। इस वीडियो को लेते रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और यहाँ जो देखा है सब्सक्राइब करके जाना, बिल्कुल करो करो भाई।